ये देख सकते हैं आपकी शानू ने सावन के पहले सोमवार का व्रत किया है और पहनी है पीले कलर की साड़ी, क्योंकि इसको साड़ियां पहनने का बड़ा भारी क्रेज हो गया है। अभी इनका एक पार्सल आया है ना, एक्चुअली ये बोलते रहते हैं कि पापा और मम्मी के लिए आते रहते हैं, वाला पार्सल तो हमारे लिए नहीं आता कुछ, इसलिए वाला हम भी अपने आप ऑर्डर करेंगे चीजें, तो इन्होंने कुछ कुछ चीजें ऑर्डर की थी। ये बस इतने बटे अंदर ये आया, मेरे को कुछ नहीं खरीदा तो है, मिठू अभी आया नहीं है तेरा भाई, इसको भी शॉर्ट टॉप चाहिए था ना, जो लूज होता है ना देखने में, और ऐसे वाह जी वाह, आ जाएगा मिठू तेरा भी आ जाएगा। ले जी, नाराज हो गया कि मेरा नहीं आया अभी, अब देखो इन्होंने इसी का ये इतना सा सामान ही आया, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ इनके एक बास्केटबॉल भी है, हाँ टॉप तो बड़ा सुंदर है वैसे ये, हाँ अभी चलेगी ये ट्राई करने। आप क्या ट्राई कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत इसके अलावा मैंने ये बनाई थी रेमेडी, बाल धोने थे मुझे तो उससे पहले कुछ ना कुछ मैं अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और जैसा आप देख ही रहे हैं रेमेडी का कलर है काला, तो ये आपके बालों को काला करने का भी काम करती है। इसमें मतलब आंवला डाला है और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे शेयर किए हैं, आपके बालों को नेचुरली काला भी करता है और ग्रो भी करता है। वंदना ने अपने बालों में लगाई ये रेमेडी, ठीक है बालों की जगह है। यार कपड़ों का हाल देखो क्या हो गया, ये तो मतलब अब दाग बिल्कुल नहीं जा सकते, और कल मैं और मिठू आपस में मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे ऐसे ही ना, तो उसने मेरे कपड़े ही फाड़ दिए, तो फाइनली मतलब कपड़े भी फट गए थे, इसके ऊपर रेमेडी भी लग गई, तो अब मैं इस शर्ट को दोबारा नहीं, टी शर्ट को दोबारा नहीं पहन सकती। ऐसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब ठंडक का एहसास दिलाती है गर्मी, जब मैं पहनती हूँ ना इसको कितनी भयंकर गर्मी हो तो मुझे मतलब अच्छा सा फील होता है, कूल सा कपड़ा, इसका बहुत ज़्यादा पतला सा था ना, सॉफ्ट सा, तो फिर मतलब ये मेरे को बोलते थे बहुत बार ना कि छोड़ दे इसका पीछा, जैसे फटना शुरू हो गई थी ना थोड़ी थोड़ी ये, पर ये ऐसे छोटे छोटे से इसमें आने लग गए थे, बट फिर भी मैंने नहीं छोड़ी, तो अभी इतना कुछ हो गया तो अब तो फाइनली छोड़नी ही पड़ेगी। और आज है मंडे, सबसे पहले तो आपको सावन का मंडे का बहुत बहुत बधाई, और सावन का पहला सोमवार है, तो ये मैंने ग्रीन कलर का सूट प्रेस किया ना, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने जाने से पहले ही मतलब ये रेमेडी लगाई थी, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये ना आंवला डाला हुआ था, तो उसकी वजह से फिर ये जो दाग एक बार लग जाते हैं वो लग जाते हैं, हाथ तो खैर मैंने ग्लव्स, तभी मैं बोलूं तेरे बाल इतने काले क्यों हैं, काले तो तभी है रेमेडी की वजह से ना, और झड़ते भी तभी नहीं है, लंबे भी तभी हैं, पर चक्कर ये हो गया कि आज ये एक्चुअली इन्होंने मुझे सलाह दी ना कि इसको बोला इकट्ठा डाल दे पूरे बालों पे, यार मैंने बोला था किचन में जाके करियो, मैंने इनकी सलाह मानी और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा, तेरा कोई कमरे में फेंकता सर में तो इतना पता लगे, मैंने बोला बाथरूम में जाओ वहाँ पे फेंका, अगर गिरी तो बाथरूम में गिरी गो यार, चलो कोई नहीं कहा है बोला थे जो हम भी, लेकिन मैंने कमरे में ही उसको अपना लिया। ठीक है चल नहा ले तो नहा लेना, और मैडम कर लिए ब्रश? हाँ जी कर लिया, एक्चुअली मेरी आदत है ना हमेशा नहाने के बाद ही ब्रश करती हूँ, अब हर बंदे में कुछ अच्छी आदतें भी होती है कुछ गंदी आदतें भी होती हैं, तो ऐसा है। और कुछ नया ताजा? बस अभी मेरे को वीडियो शूट करना है, बाल तो बहुत चमक रहे हैं तेरे, चमक रहे हैं बालों में रेमेडी लगाई हर कुछ ही चमक रहे हैं, काले हो गए बड़े बड़े ज्यादा, कोई बात नहीं हैं, ज्यादा भी ठीक रहते हैं यार भाई, मैं भी थोड़ी देर पहले अंदर बैठा होता तो तेरा वीडियो देख रहा था, तो वहाँ कमेंट लिखने कल वाले। इसके बाद मैं चली गई रेडी होने, तो मैंने ये पायल भी पहन ली थी, कमेंट बहुत बार आते हैं, तो जी फाइनली फिर मैंने पायल भी पहन ली, और यहाँ पे रेमेडी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया था वो मैं दिखा रही थी, एक्चुअली ये दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज के लिए वीडियो शूट कर रही थी, और बाकी यहाँ पे मैंने इसलिए डाल दिया छोटा सा क्लिप, मैं क्या सूट आपको दिखाती हूँ, और मतलब मैंने आज सिंदूर वगैरह लगाया है ना, तो नहीं लगाती तो डेली हूँ, लेकिन ये सूखा वाला सिंदूर लगाया है मैंने, तो मेरे को अच्छा लग रहा था अपना लुक, तो आपके साथ भी शेयर कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने बनाया प्रसाद,
जो कि आटे का बनाती हूँ देसी घी में। और जब भी मेरा मंडे का फास्ट रहता है ना, तो शानू मिट्टू को बस यही होता है कि उनको प्रसाद खाना है, इसलिए मंडे का फास्ट में जरूर। शानवी का पसंद का, बट मैंने कहा था वहाँ पे बैठ के हो बेटे, यहाँ तुम क्या देखो देखो साथ में वो चार फुलके खा भी लिया, अब तीन ये बचे हैं। ये बनाया हुआ है और साथ में मिट्टू दूसरा फुलका खत्म होने वाला है, दो ही फुलके बचे हैं। कोई बात नहीं, खाओ आप, टेस्टी बना है, बढ़िया बना हुआ है। चलो तो चलते हैं वंदना के पास में, क्योंकि उसने उससे पूछ लेते हैं कि भैया जो मटर पनीर है वो कैसा बना हुआ है। पहले फैन को बंद कर देते हैं। हाँ जी मैडम, कैसा बना मटर पनीर? एकदम क्लासिक। ये देखो, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, तो भूख लगी है तो मैं खाने के फोकस करना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, तो आप भी कर लो डिनर, मिलते हैं फिर। इसके अलावा ये नेक्स्ट डे का लंच रूटीन है, तो हमने बनाए थे दाल चावल और साथ में थोड़ी सी छाछ पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसकी मैं कढ़ी बना देती हूँ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि भले छाछ और लड़ाई से क्या बढ़ाना, पानी डालते जाओ। तो वही मैं जो थोड़ी सी थी मेरे पास और थोड़ा मैंने उसमें पानी डाल दिया और बाकी फिर बन गई कढ़ी, जो कि बहुत टेस्टी थी। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे आपने देख ही लिया कि ऑयल में पहले तो हींग जीरा वगैरह प्याज अच्छे से भून के कड़ी पत्ता और ये सब चीज़ें डाल के मसाला वगैरह, फिर मैं क्या करती हूँ कि बेसन को यहीं पे भून लेती हूँ। फिर ये बड़ी अच्छी तरह से एक तो कुक भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर डालती हूँ इस पे ऊपर से छाछ, और इस तरह की कड़ी पतली वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी खाना बन ही रहा था तब को पतिदेव का फ़ोन आया, उन्होंने ट्रायल पे ये मंगवाई हुई थी महिंद्रा की 3XO, तो मतलब सारी गाड़ियाँ देखने के बाद हमें ये वाली गाड़ी पसंद आई। एक्चुअली देख तो हम ये कब के से रहे थे ना, बट हमें ये आइडिया नहीं था कि हमारे गैराज में आ जाएगी कि नहीं आएगी, तो इसलिए फिर फाइनली हमने चेक करवाया और गैराज में ये आ गई, मतलब पूरी पूरी आई। मेन प्रॉब्लम क्योंकि गाड़ी को खड़ा करने की हो रही है हमें, और फिर अब चेंज कर ही रहे हैं तो मतलब हर एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो ये गाड़ी मुझे भी पसंद आई, बच्चों को भी पसंद आई और पतिदेव को भी। रही बात बजट की, यार देखो लाइफ बीत जाती है कमाने में ही, थोड़ा तो उसको खर्च भी करना चाहिए। और अपनी इच्छाएं अगर इंसान जीते जी पूरा ना करे तो फिर क्या फ़ायदा उस कमाने का भी। इसलिए फिर फाइनली मतलब हमने ये डिसाइड किया। एक्चुअली हमारी जो हुंडई की है ना पहले i10 है, तो पहले हम सोच रहे थे भी क्रेटा लेंगे, फिर क्रेटा का थोड़ा सा मतलब गाड़ी गैराज में नहीं आ रही थी, उसी वजह से फिर हम वो ले नहीं पा रहे। मतलब पसंद तो वो भी थी हमारे को, पहले से ही हमने यही सोच रखा था कि वही लेंगे, बट गैराज में नहीं आई वो। फिर जो i10 लेकर के आए थे, i20 लेकर के आए थे, तो वो मेरे को नहीं लग रही थी, मतलब उतनी सही नहीं लग रही थी। फिर फाइनली फिर हमने सोचा कि ये वाली गाड़ी के रिव्यू बहुत ज़्यादा देख रखे थे, मतलब पतिदेव तो मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब समझ लीजिए आप लगभग एक साल से ही रेगुलरली देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी बढ़िया बढ़िया, जैसी मतलब जो हमारी भी एक तो बजट में भी हो और सारी चीज़ें उसमें हो जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो फिर ये वाली गाड़ी कब के से ये देख रहे थे, फिर फाइनली अब ये इसके लॉन्चिंग का वेट कर रहे थे, फिर लॉन्च भी हो गई, फिर उसके बाद फाइनली अब हमें तो ट्रायल के लिए भी मिल गई, फिर अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे फाइनल तो हमने यही कर दी है और देखते हैं फिर अब इसका कौन सा हम लोग मॉडल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आज साफ़ सफाई का काम चला हुआ था, पहले मैंने सारे कमरों से मतलब झाड़ू लगा दिया था, फिर बाद में धीरे धीरे इन सबको भी काम पे लगाया। एक्चुअली बरसात के टाइम पे ना अच्छे से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, हर दिन मतलब चीज़ों को चेक वेक करना होता है। आपको तो पता ही है हमारे आसपास कितना पूरा जंगल का ही एरिया है और इतनी हरियाली हो चुकी है ना अब तो कभी बिच्छू कभी कुछ भी मतलब डर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चों को लगा रखा है टास्क पे कि अपने रूम को एक तो साफ़ सुथरा बनाओ। ये देख सकते हैं आप सोफे पे भी इन्होंने अपने जो ओढ़ते हैं कंबल और पिलो कवर रख रखे हैं, और दोनों लगे हुए हैं ठीक करने में अपनी चादर। एक्चुअली इनकी चादरें धोई हुई थी ना सारी, तो फिर जो भी थी यहाँ पे मैं क्या जो जिसको पसंद है वो वाली अपने बेड पे डाल दो। दोनों को ही गुड्डू वाली चादरें पसंद आई। हमारे पास ना सारी चादरों मतलब पेयर में है सारी चादरें ना, तो इसलिए कई बार आप सोचते भी हो कि अच्छा मेरी चादर, तो मेरे को जो कलर अच्छा लगता है उसी को बार बार यूज़ कर लेती हूँ।
और चादरें सारी धोई हुई थी तो सूख गई थी ना, यही लेके आए हैं। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी और ये लोग एडिट कर रही थी, तो ये लोग ही लेकर के आए इसे और मैंने तो और डबल बिछा भी करके रहे बिछा हैं, दी है डबल करके बिछाई। क्योंकि ऐसे बीच नहीं रही थी ना, मेरे से तो बीच नहीं रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ इसने अपना से गद्दा कर दिया है पीछे को, अच्छा गद्दा, ताकि जल्दी दबा जी। सके इसमें। ऐसे पहले तो ये सिलवटे ठीक करना, देख ऐसे कर कर, सिखाना चाहिए देखो बच्चों को सारे काम। अब इनकी उम्र हो गई है इतनी कि ये सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो फिर तो। हाँ तो ऐसा है, मैं तो इन्वॉल्व करती रहती हूँ इनको काम में, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं। आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, अब 1 अगस्त से लग जाएगा ना स्कूल, तो रह गई 2-4 छुट्टियाँ ना, तो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा ना जिनका, मेरे उनको को तो तो कुछ पड़ेगी नहीं मैडम से आता, मार। मेरे को मेरी और ही इनका बस एक ही काम है आजकल, ग्राउंड 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 में। बास्केटबॉल, गेम क्या खेलते हो भाई? बास्केटबॉल बास्केटबॉल। अच्छा हाँ, इनकी भी आ गई है, ऑनलाइन मंगवाई थी इन्होंने ना, तो वो भी आ गई यहाँ है से मैंने भाई अंकल इसको। डाल तो दी। ये तो वैसे भी तो इसको ये जो सिलवट पड़ रही है ना, इसको इधर को नहीं, परे को कर ऐसे ऐसे। हाँ अब इसको आ जा पीछे, अब यहाँ से देंगे धक्का। ऐसे मैंने तो डाल करके मैं बताती हूँ, यहाँ यहाँ से कर साइड साइड से इसको अंदर। ऐसे किया ना देख, इधर से ऐसे और ये सीधा अंदर, ये बिल्कुल अच्छा बाहर थोड़ी थोड़ी निकल रही है। इधर को तो ये अंदर को डाल देनी ना, फिर सिलवटे नहीं आ रही। अब डन ये कर, मैंने डबल करके बिछाई और पूरे अच्छी तरीके से पीछे गई। वेरी गुड, वेरी गुड। शानू के पास हो गई और धीरे धीरे मिट्टू के पास हो जाएगा, पर मट्टू पूरी तरह से पास नहीं हो चुका है अभी, थोड़ा थोड़ा बस गया हूँ मैं पास कोई नहीं, होने में। थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। देखो रंग बिरंगी चादर अलग, तकिया अलग, मेरे तो पास ये तो इसने ना हमारे हमारी चादर के वहां से चुरा ले आई है ना। मेरे पास तो रंग बिरंगी चादर नहीं थी, मेरे पास बहुत अच्छा लगा रंग बिरंगी, यहाँ पर अलग। अब मैं आपको एक बार मौसम का व्यू भी दिखा देती हूँ कि कैसा कैसा बना हुआ है यहाँ पे मौसम। तो आज बहुत सारे कपड़े धुले थे जो कि मैंने सारे यहीं पे लगा दिए, क्योंकि ये सूखे नहीं है। ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, तो इसके इसमें भी हमने कलाकारी करके इसको भी ठीक कर दिया था, और बाकी पूरे कपड़े मतलब इसमें आ गए, तो इसको कर दिया जी यहाँ पे। और तेज़ वाली धूप नहीं हुई ना, क्योंकि आज पूरा दिन भर ऐसे ही मौसम बना हुआ था। वो देखिए दूर दूर आपको दिख रही होगी कि धुंध जैसा, बाकी फ्रंट की तरफ को भी एक बार घुमा ले आते हैं आपको ना, तो फ्रंट वाली साइड से दिखती है ना वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये देखो धुंध छा गई है, अब ना यही रहता है बरसात में कि बारिश हुई फिर मौसम ठंडा हो जाता है और धुंध धुंध जो है ना वो छा जाती है। बाकी बस अब मैं एडिट करके अपना ख़त्म करके थोड़ी देर फिर मेरे को ना यहाँ झूले पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी। और अभी मौसम सुहावना ही है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा पेड़ हिल रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। बस इसी के साथ फिर मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।